Hey guys, so today we are talking about how to fill IGNOU examination form. So आज के इस वीडियो में हम अच्छे से जानने वाले हैं कि IGNOU का जो examination form है उसको ऑनलाइन कैसे फिल करना है. So अभी एक दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये बताया गया था कि कोरोना वायरस को लेके IGNOU का जो examination form का डेट है वो एक्सटेंड हुआ है या नहीं. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लें. उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ ऊपर आई बटन में भी मैं देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हो. चलिए तो आगे बात कर लेते हैं इस वीडियो में. तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में आ जाना है. सो IGNOU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वो वेबसाइट कुछ इस तरह से है, exam.ignou.ac.in. तो exam.ignou.ac.in पे हम लोगों ने सीधा जाना है. सो exam.ignou.ac.in के ऊपर में जाने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है हम लोगों के सामने. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन करते ही नीचे में आप ये पूरा डिक्लेरेशन जो है इसका पढ़ के इसको एग्री आपने करना है. यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के नीचे जो है एक टिक मार्क है उसको आपको आपने ओके करके फिर आगे का प्रोसेस जो है वो करना है. वहाँ टिक मार्क करने के बाद नीचे प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर हम लोगों ने सिंपली क्लिक कर लेना है. क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है. अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली करना है क्या है कि प्रोग्राम कोड आपके पास होगा और इनरोलमेंट नंबर आपका आपके पास होगा और साथ ही साथ एग्जामिनेशन जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो वो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो. तो ये सब कुछ जो है प्रोग्राम कोड इनरोलमेंट नंबर ये सब कुछ आप फिल करने के बाद यहाँ आगे का जो स्टेप है आप इसमें सबमिट करोगे. तो इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर रीजन है वो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली सबमिट करना है. सबमिट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस एक आ जाता है आपके सामने में. ये पूरा फॉर्म है, इसमें बहुत कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इनरोलमेंट नंबर डालने से आपका जो है स्क्रीन पे ऑलरेडी आ जाता है ऑटोमेटिकली. तो इसमें सब कुछ जो भी कुछ इसमें है अच्छे से दिया गया है, समझें और समझदारी के साथ इसको फिल करना है. कोई भी चीज़ गलती नहीं भरना है इसमें, अच्छे से देख ले आपका नाम. अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना चाहते हो तो आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर चेंज कर सकते हो. कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप चेंज कर सकते हो और साथ ही साथ एक एक चीज़ आपने अच्छी तरीके से देखना है इसमें, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो होटल मैनेजमेंट वालों के लिए फिल हो रहा है अभी जून में जो एग्ज़ाम होगा जून 2020 में. इसलिए जो सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो है TS01. ये IHM वालों का है, होटल मैनेजमेंट जो BHM कर रहे हैं उनका ये TS01 जो है वो सब्जेक्ट है. तो आपने TS01 सेलेक्ट करना है और बाकी जो भी अदर कोर्स वाले हैं उनका कोर्स कोड कुछ और ही होगा, तो आप अपना पता कर ले कि आपका कोर्स कोड क्या है. उसके बाद नीचे हम लोगों ने यहाँ पे देखना है अगर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया हुआ है तो यहाँ असाइनमेंट पे एक यस और नो का आपको ऑप्शन मिलेगा. अगर आपने सबमिट कर दिया है तो यहाँ पे आपने यस करना है और आपको अगर पास होना है तो यस करना ही होगा. अगर अभी तक आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो आप अपने टीचर से एक बार बात कर लो, क्योंकि अगर आपको पास करना है इस IGNOU के एग्जामिनेशन में तो आपका असाइनमेंट जमा होना चाहिए. आपका असाइनमेंट की जगह पर यहाँ यस होना चाहिए और मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट का जो असाइनमेंट है वो अभी जमा हो गया है. तो कुछ एक लोग अगर बचे हुए हैं तो आप कांटेक्ट करो अपने टीचर से और उनसे बात करो कि आगे का क्या प्रोसेस है और क्या कैसे करना है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस को लेकर के आपके कॉलेजेस भी बंद हैं तो शायद आपके कॉलेज में ऑफिशियल वर्क जारी हो, तो आप एक बारी बात कर लो. तो अब यहाँ ये सब कुछ फिल कर लेने के बाद, कोर्स कोड फिल करने के बाद, असाइनमेंट में यस करने के बाद नीचे सबमिट पर हम लोगों ने क्लिक करना है. अब सबमिट करते ही इस तरह से जो आपका फॉर्म है ये फिल होने के बाद कुछ इस तरह से पूरा डिटेल इसका आ जाता है. अब यहाँ नीचे आपको इसमें आपका जो पेमेंट है 150 रुपीज़, आपका 150 रुपया लगता है एक सब्जेक्ट का, एक कोर्स का, तो आपको बस वो 150 रुपया पे करना होता है ऑनलाइन. यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है HDFC बैंक और एक है IDBI बैंक. तो आप किसी भी एक पे क्लिक करके आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो. तो यहाँ किसी एक पे क्लिक करने के बाद नीचे पे नाउ पे हम लोगों ने क्लिक करना है. पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक नया इंटरफेस आपके सामने आता है. अब यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर में हम लोगों ने क्लिक कर लेना है. और हाँ, अगर आप जैसे जो सब स्टेप आपका आगे आगे बढ़ता जा रहा है आप सभी स्टेप को अच्छे से देखते जाओ, पढ़ते जाओ कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है. इससे क्या होगा कि सब आपका क्लियर होता चल जाएगा. अब यहाँ पेमेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, तो आप कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हो या आप नेट बैंकिंग कर सकते हो या आप UPI के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हो. तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो भी आपको आसान लगे आप वो चीज़ करके अपना पेमेंट डन कर सकते हो.
सो अब हमारा पेमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस है, तो इस बीच हमें कोई भी कैंसिल ना करना है और बैक भी नहीं करना है। अब देखो इस तरह से जो इंटरफेस आ जाए आफ्टर पेमेंट, तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अब चेक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ जो होम का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ होम पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे जहाँ पे हम लोगों ने प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया था, वहीं आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, चेक फॉर स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो उसके ऊपर में हम लोगों ने क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका मांगेगा, उसके बाद आप सबमिट करके देख सकते हो आपका स्टेटस क्या है। अब यहाँ 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे के बाद आपको आपका एनरोलमेंट नंबर और साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ डाल करके सबमिट करके एक PDF फॉर्म आएगा, एक PDF फाइल, उसको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि उसमें ही आपका सारा कुछ पूरा डिटेल जो है वो रहेगा। तो एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको वो सब कुछ निकाल लेना है आफ्टर 72 आवर्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अगर आप देना चाहते हो कोई सुझाव या आपके मन में हो कोई सवाल, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।